दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि केरल के एक 75 वर्षीय वैद्य ने एक महंगे आयुर्वेदिक साबुन को बनाया है और इसकी कीमत 10,000 रुपए है। ये वैद्य 50 से अधिक वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने पूरे भारत से अपनी आयुर्वेदिक दवा से कई बीमार लोगों को सुधारा है, लेकिन हाल ही में उनके द्वारा आविष्कार किया गया नहाने का साबुन अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में त्वचा की समस्याओं और शरीर की समस्याओं वाले कई रोगियों ने उनसे मुलाकात की है। अपनी सभी समस्याओं का सामना करने के बाद वैद्य ने पाया कि त्वचा की अलग अलग समस्याओं का मुख्य कारण केमिकल साबुन है, जिसका हम हर दिन उपयोग करते हैं। आज के बाजार में 90% साबुन केवल बिजनेस उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। तब से उन्होंने प्राकृतिक केसर और शुद्ध लाल चंदन से मिलाकर एक असाधारण सूत्र के साथ साबुन बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। केरल वैद्य द्वारा बनाए गए प्राकृतिक साबुन के इस फॉर्मूले के लिए रथिरा आयुर्वेद ने पूर्ण रूप अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो अब रथिरा केसर नाम से कई लोगों तक पहुंच चुकी है और इस प्राकृतिक साबुन की मांग दिन पर दिन काफी बढ़ गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान में इस साबुन के खरीदार ज्यादा है। भारत में बने इस साबुन की कीमत लगभग 10,000 रुपए है, जिसमें ईरान के ग्राहक तक पहुंचने पर अन्य खर्चा शामिल हो जाता है। कंपनी का कहना है कि एक साबुन की कीमत उस देश की कीमत के हिसाब से 10,000 के करीब होती है और ये भारत में केवल 3,999 रुपए में ही बिकता है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राकृतिक उत्पादों और औषधीय गुणों के साथ एक वास्तविक आयुर्वेदिक साबुन का उपयोग करना पसंद करते हैं, तो आप ये खरीद सकते हैं।